मेक से बनने वाली फ्रेजल वर्ब, मेक के साथ फार जोड़ दें तो बनता है मेक फॉर। इसका अर्थ होगा उत्पन्न करना या कारण होना, यानी कि प्रोड्यूस या बी द काज ऑफ। मेक के साथ ऑफ जोड़ दें तो बनता है मेक ऑफ, और इसका अर्थ होता है चंपत होना या भाग जाना, यानी कि रन अवे। मेक के साथ आउट जोड़ दें तो बनता है मेक आउट, और इसका अर्थ होता है समझना, यानी कि अंडरस्टैंड। मेक के साथ अप जोड़ दें तो बनता है मेकअप, जिसका अर्थ होता है पूरा करना, यानी कि कंपनसेट। अब इनका वाक्य में प्रयोग कर अर्थ जानेंगे। मेक फॉर माने उत्पन्न करना यानी कारण होना। कंटेंटमेंट मेक्स फॉर हैप्पीनेस, जो कंटेंटमेंट यानी जो निर्णय लिया गया वह जो है हैप्पीनेस यानी प्रसन्नता उत्पन्न करने वाला था, प्रसन्नता उत्पन्न करता है। मेक ऑफ माने चंपत होना या भाग जाना। द बॉयज मेड ऑफ व्हेन दे सॉ द पुलिसमैन, लड़के तब भाग गए यानी चंपत हो गए जब उन्होंने पुलिस को देखा। मेक आउट माने समझना। द प्लेंटिफ फेल टू मेक आउट हिज केस सो द अपोजिट वन द केस, जो प्लेंटिफ था वह जो है केस को समझने में असफल रहा, इसलिए विरोधी पक्ष जो है केस को जीत गया। मेकअप माने पूरा करना। द ट्रेन इज लेट बाई 4 hours सो आई कैन नॉट मेकअप द टाइम, ट्रेन जो है 5 घंटे लेट है इसलिए मैं जो है इसे पूरा नहीं कर सकता, यानी समय पर पूरा नहीं कर पाऊँगा। तो मेक से बनने वाली फ्रेजल वर्ब यहीं पर कंप्लीट होती हैं। बची हुई फ्रेजल वर्ब के लिए आपको इंग्लिश ग्रामर नाम की प्लेलिस्ट में जाना होगा।